हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं इस समय हूँ मिर्जापुर का अष्टभुजा मंदिर के पास। जी हाँ साथियों, चल कि आप सभी को अष्टभुजा मंदिर का मैं आप सभी का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। जैसा कि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है आज के दिन में, दोस्तों आप सभी को पूरे अष्टभुजा मंदिर का मैं पूरा आप सभी को नज़ारा दिखा दूंगा। माँ जगत जननी विंध्यवासिनी का दर्शन करा चुका हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को अष्टभुजा मंदिर में आप सभी को लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ भव्य मंदिर का खूबसूरत नज़ारा। साथियों जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, सीढ़ियों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, श्रद्धालुओं से सीढ़ी पर भरा हुआ देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अष्टभुजा मंदिर में, देख सकते हैं काफ़ी दुकानें सजावट की गई हैं। जैसा कि नवरात्र के दिन पर यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। विंध्याचल में भी मैंने दिखा दिया दोस्तों, काफ़ी वहाँ भीड़ था। उसके बाद दोस्तों विंध्याचल माता का रूप अष्टभुजा माता का मंदिर में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, देख सकते हैं सीढ़ियों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं दोस्तों, आप सभी को मैं मंदिर के अंदर का सभी नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं सीढ़ी के पास से पहुँच के उतर कर अब मैं मंदिर की तरफ चल रहा हूँ। देख सकते हैं मंदिर के पास कितना भीड़ दिखाई दे रहा है, आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर नवरात्रि के समय। चैत्र नवरात्र के साथ दूसरा दिन है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है माँ जगत जननी अष्टभुजा माता के मंदिर में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है साथियों। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर जो बहुत सारे भक्त लोग बैठे हैं और भजन प्रवचन पढ़ रहे हैं, और दोस्तों इधर चल दे सकते हैं इस तरफ से सभी श्रद्धालुगण लाइन लगाए हुए हैं दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं दोस्तों आप सभी को बहुत लंबी लाइन दिखा देता हूँ, कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते साथियों। देख सकते हैं इधर फिलहाल आप सब देखिए टीन सेट के नीचे का खूबसूरत नज़ारा, जो श्रद्धालुगण दर्शन करने के बाद यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, सभी लोग चाह रहे हैं कि नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी अष्टभुजा और काली खो का दर्शन करने दूर दूर से मिर्ज़ापुर ज़िले में पहुँच रहे हैं साथियों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेन सीढ़ी है, मेन सीढ़ी से सभी लोग आकर दर्शन कर रहे हैं, और इधर देखिए माँ दुर्गा का मूर्त भी स्थापित की गई है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ियों, देखिए सीढ़ी की लंबी लाइन है साथियों, देख सकते हैं बहुत बड़ी लंबी लाइन है दोस्तों। नीचे से लेकर एकदम ऊपर अष्टभुजा मंदिर तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। मैं तो दोस्तों आप सभी को मैं दर्शन नहीं करा सका अंदर जाकर, एकदम मेन जगह वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है। फिलहाल देख लीजिए सभी लोग इसी रास्ते से दर्शन करने जा रहे हैं, इसी ठीक सामने माँ अष्टभुजा का मूर्ति स्थापित की गई है, जो सभी लोग दर्शन करके आ रहे हैं साथियों। और देख सकते हैं जो ये बांधी गई है चुनरिया है मनोकामना के लिए, सभी लोग चुनरी बांधे हुए हैं। इधर देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों मुख्य द्वार है मंदिर में प्रवेश करने का, देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालुगणों का लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। और इधर देखिए एक चाचा से यहाँ पर मनोकामना के लिए रक्षा बांध रहे हैं अष्टभुजा मंदिर पर, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर रक्षा बांधते हैं चुनरी बांधते हैं, सब मान्यता है यहाँ पर। अब दोस्तों आइए मैं आप सभी को दूसरी तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर कुंड है पानी पीने का, भैरव कुंड बोलते हैं। तो मैं भैरव कुंड की तरफ चल रहा हूँ, जहाँ पर सभी लोग पानी पीते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर पानी हर समय निकलता रहता है, और अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा चुके कि पानी कहाँ से निकलता है। और ये सब चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए, पहाड़ों में बसी माँ अष्टभुजा का मंदिर है, पहाड़ों के बीचों बीच में है यह मंदिर। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ऊपर यह मंदिर स्थापित की गई है अष्टभुजा माता का मंदिर, यह विंध्याचल से भी ऊपर मंदिर है। तो दोस्तों मैं आप सभी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो भैरव कुंड है, और इधर देखिए कुछ इधर मंदिर भी है साथियों। ये देखिए दोस्तों यही भैरव कुंड है, यहाँ पर पानी निकलता है, देख सकते हैं कुंड का जल पवित्र है, कृपया सफाई बनाए रखें। यहाँ पर लोटा मग रखा गया है, अगर आप सब कुंड का पानी पीना चाहते हैं तो आप सब पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों भैरव कुंड का। और इधर देखिए दोस्तों कुछ सीढ़ी बनाई गई हैं उस तरफ जाने के लिए, आप अगर आप इस तरफ से भी नीचे चले जा सकते हैं अष्टभुजा का मंदिर का दर्शन करने के बाद, यह भैरव कुंड से घूमकर बाहर की तरफ जा सकते हैं साथियों। इधर एक और काली मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर भैरव कुंड है, उसके पूर्वी साइड में काली मंदिर है, कुछ इस प्रकार नज़ारा है वहाँ पर। यहाँ पर आश्रम भी है बैठने उठने के लिए, रुकने के लिए, तो देख सकते हैं आप सभी कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, काली मंदिर जाने का रास्ता है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं दो बंदर
चना खा रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। अगर आप सब अष्टभुजा मंदिर को आएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर देखने को मिलेगा, खासकर भैरव कुंड की तरफ अगर आएंगे देख सकते हैं यहाँ पर चना गिराया गया है तो बहुत सारे बंदर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप सब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना यहाँ पर बंदर यहाँ पर हैं साथियों, देख सकते हैं धीरे धीरे सभी बंदर यहाँ पर इकट्ठा आ रहे हैं, चना कितना अच्छा बीन कर खा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग रुक कर देख रहे हैं जो मेरे पीछे हैं, तो मैं कैमरा के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। जी हाँ साथियों, आइए दोस्तों और आगे चलते हैं। इधर देख सकते हैं दोस्तों रोपवे के पास मैं आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोपवे भी लगा है अष्टभुजा मंदिर पर, और काली देवी के मंदिर के पास भी रोपवे का व्यवस्था हो चुका है। देखिए यहाँ पर रोपवे से चल कर सवारीगढ़ नीचे की तरफ आएंगे, बहुत अच्छा व्यवस्था है। मंदिर का दोस्तों पश्चिमी साइड पर रोपवे लगा है और एकदम ठीक जाकर उत्तर साइड को उतरेगा मंदिर के। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा पहाड़ियों का, कितना ऊपर से सभी श्रद्धालुगढ़ आते हैं और माँ अष्टभुजा का दर्शन करने के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। कितने अच्छा व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पर अष्टभुजा मंदिर के पास। ये देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से उतर के सीधा यहाँ मंदिर में प्रवेश कर लेंगे यहाँ से, तो दोस्तों आइए मैं रोपवे के अंदर आ गया हूँ। यहाँ का आप सभी को पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर रोपवे चलाया जाता है। देखिए दोस्तों, यही कुछ मशीन है जो नीचे से आकर यहाँ पर पहाड़ पर माँ अष्टभुजा मंदिर के पास उतारा जाएगा, ये चलता रहता है रिंग के द्वारा। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रोपवे आ रहा है, तो मैं रोपवे का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। एक रोपवे देखिए उधर जा रहा है तो एक आ रहा है, एक अगर वहाँ जाएगा तो दूसरा यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ एक तीन रोपवे पहुँचेंगे तो तीन रोपवे यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आ रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे रोपवे पर सभी लोग उतरेंगे। यहाँ पर आसान हो गया, लेकिन शुल्क की बात करें तो बहुत सस्ता शुल्क है दोस्तों। एक तरफ का मात्र 40 रुपये, दोनों तरफ का यहाँ पर 80 रुपये शुल्क है, ऐसा निर्धारित की गई है अष्टभुजा मंदिर के पास। अगर आप सब रोपवे से ऊपर आना चाहते हैं तो 30 रुपये मार सकते हैं। और दोस्तों मैं अब आ गया हूँ दूसरी थोर पर, मैं बाहर निकल रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का देखिए सीढ़ियों पर नज़ारा है, कुछ सामान हमें भी खरीद लेता हूँ यहाँ से अष्टभुजा मंदिर की तरफ से। प्रसाद उसाद का दुकान दे सकते हैं इधर लगाया गया है, और इधर कुछ इस प्रकार का नज़ारा दे सकते हैं महिलाओं का। और यह देखिए कुछ तस्वीरें भी बिक रही हैं माँ अष्टभुजा मंदिर का और विंध्यवासिनी माता जी का, शारदा माता जी, और बगल में चूड़ियों की दुकान भी दिखाई दे रही है साथियों, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुझे लगा साथियों अष्टभुजा मंदिर का दर्शन करने के बाद। तो रोपवे दोस्तों आ रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं दूसरा वीडियो जल्दी से लेकर आऊँगा आप सभी का, नवरात्र का ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और माँ अष्टभुजा का मंदिर देख कर खुश हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि मैं यूपी के मिर्ज़ापुर भदोही वाराणसी जौनपुर इलाहाबाद का वीडियो लाता रहता हूँ।